अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट पेरेंट्स, हम पीएफ की तैयारी के लिए ये बाकी जनरल टेस्ट जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वन पेपर के लिए हम ये मैथ की सीरीज शुरू कर रहे हैं। अलजेब्रा के जो बुनियादी फार्मूले हैं नहायत ही अहम, उनसे स्टार्ट ले रहे हैं। बहुत ही बेसिक फार्मूला है। पहला फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर। यह आ जाता है सवाल के ऑप्शन में, आ जाता है एमसीक्यूज में, आ जाता है ये किसके इक्वल होता है। तो अगर आपको इसका रट्टा याद नहीं है फार्मूले का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ज़रब ए प्लस बी, इन दोनों को देनी है ज़रब। आप इसको ज़रब दें ए को ए से, ए को इससे ज़रब देंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे ज़रब देंगे ये जमा 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 और ए बी हो जाएगा। आप ये प्लस और ये प्लस उनके मल्टीप्लाई में दोनों अलामतें भी होती हैं उनके साथ साइन, तो वो भी ज़रब खाते हैं, तो ये प्लस और प्लस प्लस रहेगा। अब ए प्लस ए ज़रब बी ए बी होगा, ठीक है। अब प्लस और ये प्लस ये दोनों ज़रब खाएंगे, ये हो जाएगा बी ई टू। अब हम इसको जमा कर देते हैं, जैसे कि आम ज़रब में जब मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जमा का होता है और तकसीम में तफरीक का मल, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी और नीचे वाला ए बी टू ए बी हो जाएगा, और ये प्लस बी का स्क्वायर। तो आपने ये याद रख लेना है, अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तो टाइम इतना होता नहीं है, सिंपली आप इसको याद कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तरतीब में, क्योंकि एडिशन और एडिशन का तब्दील भी हो जाता तरतीब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन अगर पाँच है प्लस एक ये बराबर छः के है, अगर एक प्लस पाँच हो फिर भी वो बराबर छः के ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी और ये भी बात एक ही है, पहले आ जाए बाद में तो इसका भी कोई इशू नहीं है, अगर ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए। अब दूसरा फार्मूला हम करते हैं ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इसका फार्मूला माइनस दो ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क क्या है, ये जो टू ए बी था इसके साथ ये माइनस लगने की वजह से यहाँ भी माइनस लग गया, और कोई मेन डिफरेंस इसमें नहीं है। इसको अगर आपको याद नहीं है वहाँ भूल जाता है, वहाँ पे आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, ए को ए से ज़रा देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अब ए को बी से ज़रा देंगे तो ये देखें ये माइनस है यहाँ पे जमा है, जिसका साथ अलामत ना हो वो अंडरस्टूड प्लस ही होता है। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आपको पता है कि प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। माइनस जिसके साथ ज़रब खाए वो उसका साइन चेंज कर देती है, माइनस ज़रा प्लस के साथ खाएगी ये माइनस हो जाएगी, अगर प्लस माइनस के साथ ज़रब खाएगा तो फिर भी माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस ज़रब खाए माइनस से आप, क्योंकि ए प्लस था ये भी प्लस था, ए स्क्वायर हो गया और अलामत प्लस ही रही, अब इसके साथ तो प्लस है और इसके साथ माइनस, तो जब इससे मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस माइनस हमारे पास माइनस आया है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस, अब ए बी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये वाली लाइन होगी, अब हमने इसको चलाना है, ये माइनस और ये प्लस, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ए बी के बी ए के लिखने के बजाय ए बी तरतीब के साथ लिखे हैं, माइनस ए बी हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, जैसा कि आप जानते हैं माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, लिहाजा ये हो जाएगा माइनस माइनस बी जमा बी का स्क्वायर। पहले हमने इसको लिए ऊपर वाले दोनों से ज़रा दी, फिर इसको लिए ऊपर वाले दोनों से ज़रा दी, अब हमने इसको सिंपली एडिशन कर लेना, जमा कर लेना, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने से भी है और ये भी मैंने से भी, क्योंकि हम जमा का अमल कर रहे हैं, लिहाजा ये भी माइनस वाले हैं और ये भी माइनस, माइनस के एक और ये माइनस का एक, माइनस के दो हो जाएंगे, ये माइनस का दो ए बी हो जाएगा, और ये प्लस ये से भी, ये था अगर आप हल करके लें। लेकिन आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये पता लगा रहे हैं क्योंकि उधर टाइम इतना नहीं होता टेस्ट में, वो सेकंड में होता है, आपने हल करके लिखना होता है, लिहाजा आपने इसको याद कर लेना, लेकिन ये कंसेप्ट भी नहीं करना और भूल भी जाता है। बी स्क्वायर प्लस भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी भी लिख सकते हैं,
अलामत का खास ध्यान रखना, अलामत है वो कोई डिफेक्ट ना हो। हेलो, अब तीसरा फार्मूला हम लेने जा रहे हैं, तो ये है ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये सिंपल सा ए प्लस बी की तरफ लिखना आपने और दोबारा इसको मल्टीप्लाई करना ए माइनस बी। इसके अंदर क्या लॉजिक है, ये ए प्लस बी और मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब जरा देंगे ए ए ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 रहेगा, और ए मल्टीप्लाई बाय बी तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस। अब हम इसको लेना है, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, माइनस बी ये नहीं लिखना बल्कि ए से बी की तरफ स्टार्ट लेना हमने, तो माइनस ए बी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और माइनस ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा, तो ये माइनस और प्लस जब माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस रहता है, तो ये बी टू या बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एडिशन करना है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, अब हम ये माइनस का एक है और ये जमा के एक है, ये दोनों जब माइनस का हमें एक देना है पहले और प्लस का हमारे पास मौजूद है, जब हम देंगे तो वो कहेगा खाता ज़ीरो हो गया, यहाँ इसका आंसर ये काट गए, ये इसका ज़ीरो हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है कैंसल आउट हो गए, बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर और ये वाला माइनस है बी स्क्वायर, ये हमारे पास तीसरा फार्मूला प्रूव हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। एक तराजू को पलटा समझ लें, इसको ऐसे फेर लें, बात वही बनती है, ये बराबर ये इधर बराबर है तो इधर भी बराबर है, ये वाली साइड इधर कर लें और फिर भी बराबर है, तराजू को पलटा चेंज करने से कुछ भी नहीं होता। पहले हमने पहला फार्मूला जो किया था वो ए प्लस बी का स्क्वायर लिया था, तो ए प्लस बी का स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, बात वही आती है ये इसके इक्वल ही रहता है, तो दो दफ़ा ज़रा दे दिए, अगर ए माइनस बी है इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ज़रा ए माइनस बी, इसको ऐसे माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब उसने ये इधर वाले ले लिए इसे फार्मूले में, यहाँ ए प्लस बी इधर वाला, अगर हम इन दोनों को जरा दें ए माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हमने मैथमेटिकली हल करके ए बी और माइनस ए बी जाता है और हमारे पास ए वाला, ये हमारा फार्मूला किसके लिए। अब हम करते हैं चौथा फार्मूला, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी हो लिख सकते हैं, तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब इसको अगर हम अंदर से ज़रा दे दें तो फिर भी हमारा आंसर वही होगा, मसलन अगर हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसको ज़रा दें ए प्लस बी के साथ, ये हमारे पास पहले इसको ज़रा दें ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये प्लस प्लस ए प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और अब बी वाला देते हैं ये, क्योंकि ए हम पहले रखते हैं प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, और ये जो है ये प्लस है और ये माइनस है, जब माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये ए बी माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस वो प्लस
+PQ होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो दोनों कट जाएंगे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगी, बाकी हमारे पास रह जाएगा PQ-। ये प्लस है ना, ज़्यादा नहीं होगा, प्लस PQ, ये हमारे पास दूर हो गया इस क्वेश्चन की, ज़्यादा हमारा तीसरा फार्मूला भी क्लियर हो गया। चलते हैं अब चौथे फार्मूले की तरफ, वो है AQ-BQ बराबर है A-B इंटू A² प्लस AB भी लिख सकते हैं और प्लस B² भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमने ये वाला माइनस यहाँ पे चला दिया और बाकी सारे प्लस हो गए। अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन इधर AB के साथ माइनस होगा, ये वाला जो कि आपने पिछले फार्मूले में देखा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये वाले जो माइनस है ये माइनस AB के साथ लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस है किसके साथ लगाना है, सिर्फ यहाँ पे B है, A-B आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये वाला जो फैमिली है AB इसके साथ माइनस आ जाना, बाकी सेम रहना। आप कन्फर्म कर सकते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे A² + AB + B² पूरा मल्टीप्लाई करेंगे A-B, तो A के साथ अगर देंगे तो PQ बन जाएगा, तो B के साथ AB के साथ करेंगे A² + B² हो जाएगा, तो B साथ ऐसे ही बन जाएगा। तो अब ये प्लस और प्लस AB² हो जाएगा। अब ये माइनस वाला, ये माइनस इसके साथ अगर पाएगा प्लस के साथ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये A² है, पहले A² लिखेंगे, इस तरफ B लिखेंगे। अब ये माइनस और ये जमा है, अब इसको साथ ज़रब देंगे तो ये जमा माइनस माइनस होगा, आपको पता है A आ जाएगा सिंपली, क्योंकि उसकी फैमिली और हो नहीं है, ये B और सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई करके A² हो जाएगा। और ये माइनस है और ये प्लस है, जब इनको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस B² BQ हो जाएगा। अब हमने सिंपली इनको ऐड करना है, तो ये A³ हो जाएगा, ये माइनस है और वो जमा, ये दोनों निल हो जाएंगे, ये वाला भी निल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, तो ये -BQ आ जाएगा। ये जो हमने पहले हमने फार्मूला बता दिया आपको, ये -B इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A² + B² और +AB लास्ट पे भी ले सकते हैं, कोई हार नहीं है। अब चलते हैं छठे फार्मूले की तरफ हम। अगर आ जाए, हमने A+B² तो पढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब आ जाए, 3 आ जाए 2 के बजाय, फिर क्या होगा, तो इसका ये फार्मूला इस तरह लिखेंगे A³ + B³ इसका और प्लस B³। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस डाल देना, 3A² + 3AB² इसको अगर हम यहाँ से 3AB कॉमन ले लें तो इस तरह भी लिख सकते हैं A³ + B³ + 3AB अगर हम कॉमन ले लें, इधर रह जाएगा AB बाहर चला गया, 3 भी चला गया, अंदर रह गया A, और यहाँ पे चला जाएगा सिर्फ B। ये हमारा इस तरह भी फार्मूला, ये दो इसके दोनों आंसर ठीक है। अब चलते हैं सातवें फार्मूले की तरफ। यहाँ पे अगर माइनस, हमने A-B² तो पढ़ा है, अगर यहाँ पे क्यूब आ जाए फिर क्या होगा, तो फिर वो भी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस AB कर देना, सबके साथ माइनस लग जाएगा, बड़ा ही सिंपल है ये वाला फार्मूला, सबके साथ सिर्फ A को छोड़ के बाकी सबके साथ माइनस लगा, B³ - B³ - 3AB × A-B। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जब इस अंदर जरा देंगे तो ये A³ - B³ - 3A² B, और ये माइनस जमा, तो
के क्या होगा, तीन ए बी ए का स्क्वायर, तीन ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस तीन ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास सातवें फार्मूले में। अब हम चलते हैं आठवें फार्मूले की तरफ। अगर आ जाते ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए प्लस ए क्यूब माइनस तीन ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा, वहाँ पे ये ए प्लस बी, ये तीनों जब रहता था जमा कर देना विदाउट पावर, फिर क्या करना, फिर इन सब को स्क्वायर के साथ लिख देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे लिखना है आपने प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी भी लिख सकते हैं और टू सी ए भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नवें फार्मूले की तरफ। तो इसको कुछ इस तरह, ये फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको अगर हम ऐड कर दें इसमें ए माइनस बी के स्क्वायर में, हमारे पास क्या जवाब आएगा, तो इसका हमारे पास जवाब आएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी। अगर इसको साबित करना पड़ जाए तो जैसा कि आप जानते हैं ए प्लस बी का फार्मूला स्क्वायर का जो होता है आंसर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है, अब इसका जो जवाब आता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का फार्मूला जो हमने पढ़ा है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, ये हमने पीछे कर देते हैं शुरू है, ये वाला माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी, ये दोनों एक दूसरे को कम कर देंगे, क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस एक दूसरे को उल्ट है, तो ये एक स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ये दूसरा ए स्क्वायर, मिलकर दो ए स्क्वायर हो जाएंगे, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो के टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास ऊपर भी हमें ये फार्मूला। अब हम चलते हैं दसवें फार्मूले की तरफ। वेरी सिंपल फार्मूला है, अगर हमने यहाँ पे क्या किया है ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर को ऐड किया, अब हम अगर इनको तफरीक कर दें फिर क्या हमारे पास आएगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे अगर माइनस लगा दें इस जगह पे, तो फिर ये इनको जब माइनस कर दें दोनों के मुरब्बों को लेकर स्क्वायर को लेकर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बिल्कुल उससे भी सिंपल और ए बी आ जाएगा। वो कैसे, अब हल करके देख लें इसको, अगर हम हल करें इसका खोलें जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब ये वाला जो माइनस इसको बाहर रख लेते हैं अंदर मुरब्बा खोल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम ये इसका जो फार्मूला हमें पड़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये बराबर हमने फोर ए बी साबित करना है। जब अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये माइनस अंदर जरा खाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, जब माइनस हो उस वक्त इधर ये अंदर जरा भी खाएगा, क्योंकि जमा तरफ खाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी फर्क पड़ता है उल्ट होती है अलामत जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है, जमा से कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे जमा कोई तकलीफ नहीं आ सकती, माइनस भी नहीं, अब ये माइनस से कितना मल्टीप्लाई होगा, माइनस से इसे क्लियर हो जाएगा, इसकी प्लस और ये माइनस माइनस से भी इसे क्लियर हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस 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 जमा होकर टू ए बी हो जाएगा, अब ये हमने फोर ए बी को फोर को रूम करना है, तो ये ए माइनस से क्या है माइनस का ए से कह रहे हैं और ये प्लस का ए से कह रहे हैं, ये दोनों काट जाएंगे, ये प्लस बी से कह रहे हैं ये माइनस बी से कह रहे हैं, ये भी काट जाएंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास टू ए बी प्लस का और प्लस का टू ए बी, ये मिल के फोर ए बी हो जाएगा, ये हमने ये हमारा फार्मूला साबित हो गया, ये हमारे अलजेब्रा के 10 फार्मूला हो गए। अब हम ज्योमेट्री के सिर्फ दो फार्मूले कर लेते हैं इस वीडियो में ऐड। अगर हमारे पास सर्कल फार्मूला, कहीं भी कोई सर्कल का कोई सवाल आ जाता है, सर्कल फार्मूले सिर्फ दो ही हैं वो आपको हम समझें, अगर सर्कल का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, सारे का एरिया कितना है, तो एरिया इसका निकालने की एरिया ऑफ सर्कल इसका फार्मूला, इसका एक रेडियस होता है, सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर
सेंटर पॉइंट से किसी भी कोने की तरफ यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक कहीं भी यहाँ तक एक कोने तक जाते हैं तो वो जो फासला होता है सेंटर से किसी भी दायरे के कॉर्नर तक उसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको आर से शुरू करते हैं। और ये दोनों अगर दो रेडियस मिले इस सेंटर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ये जो फासला बनता है इसको बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर। इसका मतलब है डायमीटर दो रेडियस हो तो तब जाके एक डायमीटर बनता है जिसको बीच बैठ करके एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ये हमारे पास एरिया को बेस से शुरू करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा पाई आर का रेडियस का स्क्वायर ले लेना और साथ पाई से मल्टीप्लाई कर लेना। पाई एक कांस्टेंट डिजिट है जिसकी वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली या फिर 22/7 होती है। ये 22 की वैल्यू पाई की वैल्यू आर अगर हमारे पास मालूम होगा तो हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अगर उस अहाते की बात करता है तो अहाता को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला है सी से दायर करते हैं सर्कमफेरेंस, ये होता है 2πr, 2πr पाई की वैल्यू को आपको पता है और आर दिया गया होगा, ये हमारे पास इसका सर्कमफेरेंस।